हेलो गाइस, राधे राधे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का ढोकला। तो हम इसके लिए 2 कटोरी सूजी को ऐड कर आधी कटोरी हम दही को मिलाकर अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें कोई लम्स ना रह जाए इसलिए अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसे आधी कटोरी तक पानी डालना है। फिर अगर ये अगर ठीक हो तो हम इसमें और पानी ऐड करके अच्छे से एक ही डायरेक्शन में हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर हम इसमें अगर आपको ठीक लगे तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ठीक था तो मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया। फिर अच्छे से मिक्स किया। फिर इस आप स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। मैंने इसमें 2 चम्मच नमक डाल के अच्छे से मिक्स किया है। फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। आप 10 मिनट के बाद चेक करेंगे तो कितना अच्छे से फर्मेंट हुआ है। तो आप रेस्ट ज़रूर करिएगा, इससे हमारा फ्लफी बनता है। तो हम इसमें इनो ऐड कर देंगे। इनो ऐड करके ऊपर से थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से एक ही डायरेक्शन में हमें अच्छे से मिक्स करना है। जितना आप मिक्स करेंगे उतना आपका ये फ्लफी बनेगा। फिर हमें एक छोटी सी थाली में ऑयल लगा के हमें सारे बैटर को इसमें डालकर एक कढ़ाई में हम पानी को ऐड करके उसी कढ़ाई में हम थाली को रख देंगे और ऊपर से थाली से ढक देंगे। फिर आप इसे चेक करेंगे। फिर मैंने फोक की सहायता से इसे चेक किया है कि ये अंदर से कच्चे तो नहीं, तो मैंने फोक डाला और ये क्लीन आया। इसका मतलब ये पक चुका है। ये ही सही तरीका है इसे पहचानने की, ये अंदर से कुक हुआ है कि नहीं। तो मैंने इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रख दिया था। तो मैंने इसे, आप जो भी सेप काटना चाहे तो काट सकते हैं। तो मैंने ऐसे चौकोर सेप काट लिया है। अच्छे से काटने के बाद आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और फ्लफी बना है और जालीदार बना है। तो मैंने एक कढ़ाई में तेल को ऐड किया, सरसों का तेल। आप कोई भी तेल ऐड कर सकते हैं। तो मैंने सरसों का तेल ऐड करके उसमें काली राई, आपके पास जो सरसों जो भी हो ऐड कर सकते हैं। मैंने मैंने हरी मिर्च को ऐड करना है, फिर मेरे पास रेड था तो मैंने रेडी डाल दिया। तो हमने 10-12 कड़ी पत्ता को डाल देना है। फिर अच्छे से इसको थोड़ा सा ब्राउन होने देना है। फिर मैंने 5-6 टमाटर को अच्छे से काट कर इसे अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहे तो टमाटर को ना ही ऐड करें, आपके अनुसार। मुझे टमाटर वाला ढोकला बहुत पसंद है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैंने टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर इसमें धनिया डाल के इसे अच्छे से मिला देना। ज़्यादा इसे नहीं मिक्स करना है, नहीं तो ये टूट सकते हैं क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हैं। तो मैंने अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस लग रहा है। आप टमाटर वाली ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप देख सकते हैं बहुत टेस्टी है। आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा बनता है। बाय बाय गाइस, लव यू, राधे राधे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय गाइज़।